नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त लगातार जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी फिर से उभर रही है, जब से विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं लगातार विश्वनाथ पाल ग्राउंड में हैं। इसी बीच अब साइड ऑफ बाम सेफ जो बीएसपी के लिए काम करती है वो भी उभर रही है। अभी हाल ही में साइड ऑफ बाम सेफ के नए जिलाध्यक्ष, नए जिला संयोजक बनाए गए हैं रामनिवास सर जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब किस तरह से काम होगा, क्या मानवर साहब कांसीराम साहब का जो कॉन्सेप्ट था 1585 का, उस पर काम होगा सर? बिल्कुल, अब इसी पे काम होने जा रहा है। अभी तक काफ़ी जो है हमारा मिशन सुस्त पड़ गया था, लेकिन अब हम कर्मचारियों के बीच में समय देंगे और बीच बीच में कैडर कैंप जो है लगाएंगे, लगातार जो है मीटिंगें आयोजित करेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारा जो है बाम से अब मजबूती की ओर बढ़ेगा। मानवर साहब ने जैसे दिन रात एक करके साइकिल द्वारा यात्रा करके मिशन को आगे बढ़ाया, आज हम लोगों के पास मोटरसाइकिल है, कार भी है, तो उसके माध्यम से हम लोग काफ़ी दूरी को तय कर सकते हैं और उसके माध्यम से जो जब भी हमको छुट्टी मिलेगी, किसी दिन संडे होगा या कोई और छुट्टी पड़ेगी, तो उस मध्य हम निश्चित रूप से जाएंगे, लोगों से घर घर मुलाकात करेंगे और मानवर साहब और बाबा साहब का जो मिशन था उसको हम आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से काम करते रहेंगे। मानवर कांशीराम साहब का मिशन था 1585 का और इस समय बहुजन समाज पार्टी सर्वजन को लेकर चल रही है सर, क्या 85 का उनका जो नारा था, तो ये जो सारी जातियां हैं, जिस तरीके से मानवर साहब ने काफ़ी मजबूती प्रदान की थी 85% को, सारी जातियों को उन्होंने मिलाया था, लेकिन बीच में कुछ आरएसएस ने ऐसी विचारधारा, जब हमारी चार चार बार गवर्नमेंट बन गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो उन्होंने रिसर्च और शोध करना शुरू किया कि आखिर कौन सी विचारधारा लगाई जाए तो फिर से हम इन जातियों को अलग तोड़ दें। वही काम हुआ, काफ़ी परसेंट जो है हमारे वोट जातियाँ इधर उधर बिखरी, तो उसका कुछ कारण रहा है। तो उस कारण में मेन चीज जो आरएसएस की विचारधारा थी कि इन लोगों को कैसे तोड़ा जाए, तो उसको जो है छोड़ा गया, जातियों में लोगों को बांटा गया फिर से जो है, तो उसी कारण जो है हमारा मिशन जो है कमज़ोर पड़ा। अब हम फिर उनको जो है ये मतलब कुछ गलत विचारधारा उनके बीच में प्रचार प्रसार की गई, उस कारण से जो है मिशन कमज़ोर पड़ा, लेकिन फिर से हम उनको जो है एक नई ऊर्जा देंगे ताकि वो सारी जातियां जो बटी हुई हैं अलग अलग विचारधारा में, उनको फिर जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो बाबा साहब की तो बात करते हैं, बुद्ध की तो बात करते हैं, लेकिन बहुजन को वोट नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही संविधान विरोधी लोग हैं, उनको जो है बाबा साहब का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। जिस तरह से अब आप नए जिला संयोजक बने हैं, आपके पास साइड बाम से कर्मचारी कितने हैं इस समय वर्तमान में? इलाहाबाद में 5 लाख कर्मचारी लमसम हैं, और भी कर्मचारी जो नए नियुक्त हो रहे हैं उनको भी जो है हम एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी नाम वगैरह नोट कर रहे हैं, जिनका न्यू अपॉइंटमेंट हो रहा है उन सबको जो है हम संगठित करने की कोशिश पूरी करेंगे। बीजेपी के पीछे आरएसएस लगी हुई है, उसी तरह से क्या बसपा के पीछे से साइड बाम से क्या तेज़ी से काम करेगा? साइड बाम से निश्चित रूप से अब जो है तेज़ी से काम करेगा। अब हमको अभी 16 तारीख से चार्ज मिला है, 16 तारीख से मैंने, आप देख रहे हैं पूरा, मैंने जो है बहुजन समाज पार्टी का पूरा जो है जिला कमेटी, उसकी विधानसभा कमेटी, क्या क्या अभी तक चल रहा था, कौन कौन पदाधिकारी हैं, मैं निश्चित रूप से कल ही जो है जिला कमेटी की बैठक कॉल करूंगा। सब जो है जिला सह संयोजक जो है, हमारा एक संयोजक होता है, उसके नीचे 10 सह संयोजक होते हैं, उन सब से मैं विचार विमर्श करके जो है उसके बाद में विधानसभा लेवल की एक बैठक बुलाऊंगा, फिर जो है एक बड़ा सा सम्मेलन जो है प्रयागराज में आयोजित करूंगा। कांशीराम साहब की बात और मिशन को लेकर अब सपा भी चल रही है, आजाद समाज पार्टी भी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो साइड ऑफ बाम सेफ उनके लिए काम करने लगे। साइड ऑफ बाम सेफ जो, जिसने मानवर साहब
परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया है वो लोग कभी मिशन से नहीं भटके हैं, वो असली अम्बेडकरवादी हैं, असली मिशन पर चलने वाले लोग हैं, असली संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये भटके भूले लोग नहीं हैं जो इधर उधर भटक जाएंगे। इनके पीछे आरएसएस की विचारधारा है जो छोटे छोटे संगठनों को छोड़ देते हैं, उससे हमारी बीच में बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर पड़ी। ये बैकडोर से लोगों को सहयोग मिलता है और छोटा छोटा संगठन चला करके हमारे बहुजन समाज के वोट को काटते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं, मिशन और मूवमेंट से हमेशा जी जान से लगा रहूँगा, कभी भी इधर उधर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मानवर कांशीराम साहब का सपना था बहुजन समाज हुक्मरान बने, इसी समय में चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव निश्चित रूप से माननीय बहन जी, चूँकि आपने अभी देखा था जो हमारा आजमगढ़ का चुनाव हुआ था गुड्डू जमाली जी वहाँ से, लोगों ने बहुत ही गलत विचारधारा का प्रचार की, बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई। वहाँ पर देखिए मान्या बहन जी ने जो प्रयोग किया, मुस्लिम और दलित भाईचारा बना और करीब लगभग 32% वहाँ वोट परसेंट गया, हम जीत के बिल्कुल कगार पे पहुँच गए थे। तो निश्चित रूप से जो कुछ भी हमारी कमियाँ रही हैं उन कमियों को पूरा किया जाएगा और माननीय बहन जी को 2024 में निश्चित रूप से मुख्य प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मुख्य एजेंडा क्या होगा सर सरकार बनाने के लिए? मुख्य एजेंडा हमारा अब हम लोग तय करेंगे, जिला कमेटी लेवल की कल हम बैठक बुलाएंगे, फिर उसके बाद जो है विधानसभा कमेटी की बुलाएंगे, उसके ऊपर जो है विचार विमर्श करेंगे कि हम हर मोहल्ले मोहल्ले पहुँचें, हर गाँव गाँव पहुँचें और लोगों के मध्य में जो गलत विचारधारा फैला दी गई थी हम कैसे जो है उसको पुनर्जीवित करेंगे कि आप लोग मिशन से क्यों भटक रहे हो। जो हमारा मिशन है, जो हमारा संविधान बचाना है यदि हमको, तो निश्चित रूप से माननीय बहन जी को ही हमको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तभी जो है हम संविधान और देश को बचा पाएंगे। इस देश में बहुत सारे वामसेफ संगठन चल रहे हैं सर, जैसे एक वामसेफ है वामन मिश्राम का, एक कुमार काले का और ताराराम मेहना जी का, और इस वामसेफ में अंतर क्या है? देखिए ये वामसेफ जो है ये निश्चित रूप से एक मान्यवर साहब द्वारा बाबा साहब के मिशन के आधार पर ये चलने वाला वामसेफ है, और जो वामसेफ हैं वो मतलब जो है कहने मिशन से भटकने वाले लोग हैं। अगर मान्यवर साहब ने जी जान से लगाकर माननीय बहन जी को चार चार बार प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो क्यों नहीं बामन मेसराम अभी तक एक सीट जीत पाए? क्यों नहीं तो मुक्ति मोर्चा पार्टी भी बनाई, कोई भी एक सीट निकाल के दिखाएं। तो ये सब बैकडोर से पैसा लेकर के आरएसएस की विचारधारा का प्रचार करते हैं, और जो मिशन मूवमेंट से काम करने वाले लोग हैं वही निश्चित रूप से शासन सत्ता को प्राप्त करते हैं। वामन मेसराम जी कहते हैं कि बसपा को ख़त्म करना ही मेरा मकसद है। वामन मेसराम देखिए जो दिल से साफ है, जो मिशन से काम करने वाले लोग हैं, मेहनत से काम करने लोग हैं, उनको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ख़त्म तो वो लोग होंगे जो मिशन से भटके हुए लोग हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी लोग, बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग कभी भी भटकने वाले नहीं हैं। हम उनसे कई गुना जो है आगे निकलेंगे और माननीय बहन जी को 2024 में मुख्य प्रधानमंत्री बनाएंगे। इधर साइडो बाम से फिर से जो है उभर रहे हैं, उनके नए नए जिला संयोजक थे, उन्होंने कहा कि फिर से 2024 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद।